हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए वीडियो में आप लोग का वेलकम है। तो आज हम लोग आ चुके हैं करही में, और करही में एक शॉप है जिसका नाम है राधा रानी की रसोई, और स्वाद ही पहचान है, पंडित जी की यही दुकान है। और इनका सेटअप वगैरह बहुत अच्छा बना हुआ, ई रिक्शे पे पूरी शॉप बनाई हुई करही में आपको मिलेगी। और तो गाइस चलिए दिखाते पहले आपको यहाँ की लोकेशन, उसके बाद चल के अंकल जी से बात करते हैं। और ये कमेंट था, किसका कमेंट था ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए गाइस दिखाते हैं लोकेशन आपको, चलिए देखते हैं शॉप की लोकेशन। तो शॉप की लोकेशन दिखाने से पहले आपको शॉप का पूरा नाम बताते हैं, राधा रानी की रसोई है। और पूरे ई रिक्शे पे इनका सेटअप बना हुआ है बहुत तगड़ा, और स्वाद ही पहचान है, पंडित जी की यही दुकान है। तो चलिए पंडित जी की पहली दुकान की लोकेशन आपको दिखाते हैं, कहाँ पर आपको शॉप मिलेगी। तो ये करही में आपको मिलेगी। तो दिखाते हैं लोकेशन, तो ये बर्रा बाईपास की तरफ से जब आप आ रहे होंगे और करही के लिए जा रहे होंगे, तो बर्रा बाईपास का जो बर्रा पे जो बना हुआ है करही में वी मार्ट, उस वी मार्ट से जैसे ही गुलाबी बिल्डिंग के लिए आप जा रहे होंगे तो ये शॉप आपको लेफ्ट साइड में मिलेगी। और जब आप इधर से आ रहे होंगे गुलाबी बिल्डिंग वाले चौराहे से और जा रहे होंगे बर्रा बाईपास के लिए, तो ये जो शॉप है ये आपको राइट हैंड में मिलेगी। तो गाइस चलिए शॉप पे चलते हैं। और इनके पास स्पेशल चीज़ें क्या दिखाते हैं आपको, इनके पास स्पेशल कोन चाट मिल रही है, और इडली सांभर स्पेशल कटोरी चाट मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके पास आइटम है चाट वगैरह के। तो चलिए गाइस चलते शॉप पे, बात करते हैं अंकल से और लेते हैं इनकी चाट वगैरह का मज़ा हम लोग। सो गाइस चलिए आगे शॉप पे, तो अंकल जी से बात कर लेते हैं। तो अंकल जी वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय त्रिपाठी है। और ये बताइए कितने दिन हो गए आपके शॉप लगाते लगाते? हमको हो गया 2 साल हो गया। 2 साल हो गए यहीं पे, और पहले कहीं? पहले गल्ला मंडी के अंदर लगाते थे। अच्छा, तो वहाँ चुनाव के चक्कर वहाँ धका दिया गया, तब हम यहाँ पे आ गए। तो पहले भी रिक्शे पे लगाते थे? नहीं, पहले स्कूटी में लगाते थे। 8 महीने मैंने स्कूटी पे लगाया। स्कूटी पे लगाया, स्कूटी से पैसे कमाए, इन्वेस्ट करके फिर ये लाए। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। तो ये बताइए जरा क्या क्या है आपके पास? हमारे पास इडली सांभर है, पाव भाजी है, कुलचे छोले दिल्ली वाले, आलू कुलचे छोले हैं, सैंडविच है, पिज्जा भी देते हैं। और उसके बाद हमारे पास सबसे फेमस है कटोरी चाट, जो पूरे कानपुर में आपको नहीं लेवल का ही मिलेगी नहीं। और कोन चाट हमारे यहाँ मिलेगी। कोन चाट तो स्पेशल आपकी कोन चाट है और कटोरी चाट है। तो कटोरी चाट और कोन चाट का प्राइस क्या है? 30 रुपए बल्ली। 30 रुपए, तो भाई प्राइस वगैरह रिजनेबल है। और ये बताइए कि टाइमिंग क्या वैसे आपके शॉप? टाइमिंग सर 10 से लेकर के रात 11 बजे तक। 10 बजे से सुबह लेकर रात 11 बजे तक। तो भाई पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं पर भी आपको मॉर्निंग में चाट खाने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल रही है मॉर्निंग में चाट खाने को सुबह 10 बजे से। और वैसे तो फिलहाल तो 5 बजे या 4 बजे इवनिंग में ही सारी चीजें स्टार्ट होती, लेकिन इनके पास आपको मॉर्निंग में 10 बजे से हर एक आइटम मिल रहा है। ब्रेकफास्ट का तो आइटम जैसे कुलचे वगैरह हैं वो तो सुबह सुबह दे रहे हैं, लेकिन इन ब्रेकफास्ट के टाइम से ही ये स्टार्ट हो रहा है इनका, जितना 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपको इवनिंग वाला मैटर भी दे रहे हैं, जितना इवनिंग का आइटम भी दे रहे हैं। तो आप आइए ट्राई करिए। तो चलिए आज हमें क्या खिलाएंगे आप? जो आप कौन खाने जाए, कौन खिलाएं, कटोरी चाट जो आप खाएं वो खिलाएंगे। तो हम आपकी कटोरी और कौन दोनों खा जाएंगे आज? ठीक सर, मैं बनाता हूं। तो आज हम कटोरी वाली चाट इनकी खाएंगे और कौन वाली चाट। तो पार्ट 1 में हम आपको देंगे इनकी कटोरी चाट, और पार्ट 2 में हम देंगे आपको इनकी कौन चाट। तो भाई चलिए दिखाते हैं मेकिंग, और उसके बाद खा के टेस्ट शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका मेनू कार्ड शेयर करते हैं। तो गाइस चलिए जैसे कि हम लोग पहले खाने वाले हैं अंकल की कटोरी चाट, तो चलिए मेकिंग होने जा रही है, दिखाते हैं आपको मेकिंग कटोरी चाट की। पहले ये कटोरी हम अपनी लेते हैं, ये हमारी बेसन मैदा रवा और उड़द की दाल से बनी हुई है। अच्छा, हाँ, इसको पहले घर पे बनाते हैं हम, उसके बाद यहाँ पे ला करके इसको जो है इससे पहले आलू मेल्ट करते हैं, लगाते हैं। जैसे आलू का भरता हमारा बना हुआ है, आलू की फिलिंग हो गई जी, हाँ ये फिलिंग लगाते हैं पहले इसको। पहले तो आप इसकी मतलब पूरी लेयर पे अंदर से लगा दी जाती है इसको, लगाने से इसका क्या होता है थोड़ा सॉफ्ट मुलायम हो जाता है हल्का से, इसके बाद हल्का से इसमें नमक छोड़ते हैं। वाह भाई वाह। इसके बाद ये जीरा मसाला, हींग का हमारा मसाला है, इसके बाद प्याज डालते हैं। ओ आ गया, नियर आ गया भाई। तो आप देख रहे हैं अंदर से पूरी आलू की लेयर लगाई गई है, जिससे कि अंदर से वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी थोड़ी उसकी जो लेयर है ऊपर से बाहर जो। अब ये हमारा तैयार किया हुआ है छोला, ये छोला आ गया है। जी हाँ, इसमें बगैर तेल मसाले का छोला मिलेगा आपको। ओ जी, इसको फ्राई करेंगे? जी हाँ, गर्म करेंगे अभी। तो इसको गर्म किया जा रहा है, और इसको गर्म करने के बाद इसमें फिल कर दिया जाएगा। अब इसको हम इसी कटोरी में, ये आ गई अपनी कटोरी में, जितने छोले वाली जो सब्जी बनी हुई है इस तरह से। ये हमारी धनिया पुदीने और मिर्चे की चटनी है। वाह भाई वाह, एकदम देखिए धनिया वगैरह काफी अच्छे से पड़ी हुई चटनी में। और ये आ गई अपनी ऊपर चटनी, और अब आने वाली है
ये हमारी गुड़ और इमली की चटनी है। ये देखिए एक बार ऊपर गिरा, ये थोड़ी थोड़ी दिखा, ये देखिए भाई इनकी गुड़ और इमली की चटनी है। चलिए भैया आ रहे अपनी चाट पे, गुड़ और इमली वाली चटनी भी और अब मिक्स हो रही है, जिसमें अंदर मटर फिल करी गई है। अब इसमें आएगा इसके ऊपर पनीर और इसमें ऊपर से आ रहा है पनीर। वाह भाई वाह, तो अपनी चाट हो रही रेडी और चाय, चाट का प्राइस 30 रुपीज है और क्वांटिटी भी काफी सही है। और अभी आने वाला है इसके ऊपर दही, आने वाला है ऊपर से आ रहा दही और अभी कुछ बाकी रह गया है। ये आ रहा है 0 नंबर से वाली नमकीन है, भुजिया नमकीन। भाई चाट खाने आइएगा जरूर एक बार इनके यहाँ पर और सुबह मॉर्निंग से आपको मिल रही चाट सबसे बेस्ट चीज तो यही है। और अब आने वाला है क्या, जादू की पुड़िया जो पिज्जे को टेस्ट ले जाती है। ये आ रहा है ऑर्गेनो। वाह भाई वाह, और ये ऊपर से फिर से अनियन आ गया। अभी कुछ बाकी रह गया है और फिर से आ रहे हैं इनकी मीठी वाली चटनी आ रही, गुड़ और इमली वाली चटनी फिर से आ रही मीठी वाली। और ये हो गई तो, और ये हो गया स्पून, तो फाइनली चाट हो गई रेडी अपनी कोन वाली है। तो सो गाइस फाइनली रेडी हो चुकी है अपनी कटोरी चाट, देखिए ले ट्राई करते हैं फिर आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस फाइनली आ चुकी रेडी होकर अपनी कटोरी वाली चाट और मॉर्निंग से मिल रही है आपको, 10 AM से स्टार्ट होगी और रात को 11 बजे तक मिलेगी और काफ़ी हैवी है चाट और प्राइस भी जैसे काफ़ी रिजनेबल है, 30 रुपीज प्राइस है और कोन चाट भी मिल रही है। और आपने देखा कि ये दाल और बेसन से इसकी जो लेयर है ऊपर वाली कटोरी, उसके अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छे से जो आलू का एक तरह से फिलिंग होती है वो पूरी लगाई गई लेयर उसकी चिपका के, ताकि जो इसकी बाहर वाली लेयर है थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और चने वगैरह बॉयल करके विदाउट ऑयल रखे जाते हैं और ऊपर से पनीर वगैरह काफ़ी अच्छे से फिल किया गया। तो चलिए ट्राई करते हैं जरा, ये आपके साथ टेस्ट शेयर करते हैं। फुकाई जो लेयर है वो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और उसमें अंदर आलू ऐसे चिपकाई गई थी साइड साइड में, तो अंदर से सॉफ्टनेस आ गई हल्की हल्की। उसके बाद जो इनके छोले वगैरह घर से बना के लाते हैं, एक तरह से छोले की सब्जी होती है उसे ऐड करते हैं, विदाउट ऑयल बनाई गई है और वो ऐड करने के बाद चटनी वगैरह मिक्स करके, और इनकी जो हरी वाली चटनी है बिल्कुल गाढ़ी है और मीठी वाली चटनी का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, इमली और गुड़ की बनाई गई। उसके बाद से इसमें पनीर जैसे कि काफ़ी लोडेड फील करी गई है, ऊपर से इसमें पनीर और उसके बाद से इसमें भुजिया नमकीन डाली गई, फिर से ऊपर से अनियन। तो जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है ना मसालों वगैरह का, ऑर्गेनो में मिक्स करा गया है, जैसे कि एक तरह से ऑर्गेनो को कहते हैं कि इन्हेंस करता टेस्ट, ये पिज्ज़ा में भी ऊपर से डाल के इन्हेंस करता है और इसमें भी इन्हेंस कर रहा है। और इसके बाद हम इनकी ट्राई करने वाले कोन वाली चाट, तो इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा और हैवी है, एक खाने के बाद आपके पास स्पेस नहीं रह जाएगा कि आप दोबारा खाएं दूसरी। और इनकी कोन वाली भी देखते हैं कैसी होगी कैसी नहीं, ये तो पता करेंगे जब अपनी मेकिंग करवा खाएंगे। तो चलिए फिनिश करते हैं अपनी वाली चाट, इसके बाद लेंगे अपनी कोन वाली चाट। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने राधा रानी रसोई की कटोरी चाट फिनिश कर ली है और आप ये ट्राई करिए, काफ़ी हैवी है और मॉर्निंग से मिल रही है आपको तो खाने का मज़ा ही कुछ और, इवनिंग में मिलती है हर जगह चाट लेकिन इनकी आपको मॉर्निंग से मिल रही है, तो आइए ट्राई करिए और काफ़ी हैवी और काफ़ी लोडेड है, खाने के बाद मज़ा आ जाएगी। तो चलिए गाइस आप भी आइए ट्राई करिए और इसके बाद मिलते हैं हम आपको पार्ट टू में, जिसमें हम इनका ट्राई करने वाले हैं कोन वाली चाट। ठीक है, इस वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आज का फैम आशीष शॉर्ट आउट जाता है उद्देश्य दुबे को। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप कभी फैम आशीष के साथ नाम आए तो कमेंट करिए #फैमआशीष के साथ और आपके भी वीडियोस आते रहेंगे। तो ठीक है, अपना आज का वीडियो यहीं सेंड करते हैं, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं आपको पार्ट 2 में राधा रानी की रसोई में।